हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूर चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। दोस्तों, यदि ओलंपिक से रिलेटेड यानी प्राचीन ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मोटो आदि सब के बारे में यदि आप रिलेटेड में जानना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए। दोस्तों, जो भी मैं टॉपिक आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ ये आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे UPTGT हो, PGT हो, KVS NVS, LT जो भी एग्जाम हो, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक IOC के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेल के स्थगित हो जाने से पुनः ओलंपिक को शुरुआत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना किया गया है और इसमें PAD कुबर्टिन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरुआत करने के लिए PAD कुबर्टिन ने इसका आयोजन 23 जून 1894 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर किया और यह एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कांग्रेस के एक सम्मेलन द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कब हुआ? तो 23 जून 1894 में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर। और किसके द्वारा किया गया? PAD कुबर्टिन के सुझाव पर, ठीक है ना। और IOC की पहली समिति में अमेरिका और रूस सहित 12 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जब ये आयोजन हुआ था तो उस पहली समिति में अमेरिका रूस सहित 12 देशों के प्रतिनिधियों ने ही केवल भाग लिया था। तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को, ठीक है ना। तथा IOC का मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। IOC का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसे विशेष रूप से याद कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। अब प्रथम अध्यक्ष जो है IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री बाइकलास थे। वो कहाँ के थे? यूनान के थे, ठीक है। तो ये भी विशेष रूप से याद कर लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है IOC के? थॉमस बॉक है। ये जर्मनी के हैं और 2013 से अब तक ये IOC के अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत से सदस्यता प्राप्त करने का सम्मान किनको मिला IOC में? यानी IOC में भारत से सदस्यता प्राप्त करने का सम्मान किसको किसको मिला था? सर दोराबजी जमशेदजी टाटा 1920 में इनको सदस्यता प्राप्त करने का मौका मिला। GD सौंधी 1932 में और राजा भलेंदर सिंह को 1947 में मिला। और प्रथम भारतीय महिला जो है नीता अंबानी, जो 2016 से अब तक है, नीता अंबानी यानी भारत से IOC की सदस्यता प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? नीता अंबानी। तो ये विशेष रूप से याद कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है कि भारत से IOC की सदस्यता ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो नीता अंबानी है, ठीक है। IOC दोस्तों एक स्थायी एवं स्वयंचलित संस्था है। IOC में वही सदस्यता ग्रहण कर सकता है उसी देश का जहाँ उस देश का अपना एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो। जैसे भारत देश का एक राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, जैसे भारतीय ओलंपिक संघ है, तो अथवा वो देश अपने यहाँ ओलंपिक का आयोजन करवाया हो या वह देश ओलंपिक के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष योगदान दिया हो तो भी अपने 2 प्रतिनिधियों को समिति में भेजने का वो विशेषाधिकार रखता है। नेक्स्ट है IOC का ढांचा। IOC जो है एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 कार्यकारी बोर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें से अध्यक्ष जो होता है, एक अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव जो है 8 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना, और इसे पुनः चुना भी जा सकता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट यह है कि अक्सर ये पूछा जाता है कि IOC के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ 8 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ यह है कि IOC के अध्यक्ष का चुनाव केवल 8 वर्ष के लिए चुना जाता है, चुनाव होता है, बट उपाध्यक्ष और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष के लिए ही होता है, विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उपाध्यक्ष जो है 2 होता है, वो भी 4 वर्ष के लिए होता है और इसे दोबारा चुना जा सकता है।
नेक्स्ट है कार्यकारी बोर्ड में 7 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होता है और 4 चुने हुए सदस्य होते हैं जो सभी 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और ये बारी बारी से सेवानिवृत्त होते रहते हैं और इन्हें पुनर्चुना जा सकता है। नेक्स्ट है महासचिव। जो महासचिव होता है वो IOC का मुख्य कार्यकारी होता है, ठीक है ना, और कार्यकारी बोर्ड द्वारा ही चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? IOC का ही मुख्य कार्यकारी होता है और एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना जाता है और अध्यक्ष के जो IOC का अध्यक्ष होता है उसी के दिशा निर्देशों के तहत ये क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट है कार्यकारी बोर्ड के कार्य। कार्यकारी बोर्ड जो है क्या कार्य करता है? एक ये जो है अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हो गया, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशनों और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों की क्या करता है, वार्षिक रिपोर्ट ये तैयार करता है और सम्मेलनों का क्या करता है, आयोजन करता है। और इन नए IOC के जितने भी नए सदस्यों का मनोनयन होता है उन सबका क्या करता है, सिफारिश भी कार्यकारी बोर्ड करता है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सभी वित्तीय मामलों का नियंत्रण करता है, ठीक है ना। IOC के जितने भी वित्तीय मामले हैं ये सब कार्यकारी बोर्ड नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है IOC के कार्य। IOC जो है ओलंपिक खेलों के लिए स्थान और तिथियों का निर्धारण करता है कि किस स्थान पे नेक्स्ट ओलंपिक होगा और किस तिथि को होगा, ठीक है ना, और उस शहर का अलॉटमेंट करता है जहाँ पे ओलंपिक खेल आयोजन होगा, ठीक है ना, और ओलंपिक प्रतियोगिता और कार्यक्रमों के लिए नियमों और प्रावधानों को निर्धारित करता है, ठीक है ना। जितनी ओलंपिक प्रतियोगिता के कार्यक्रम के लिए नियम और प्रावधान होंगे उन सबका निर्धारण क्यों करता है, IOC ही करता है। और तकनीकी पहलू जो होता है खेलों का उसको संबंध अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशनों पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ओलंपिक दिवस या सप्ताह समारोह, ठीक है ना। जो ओलंपिक डे होता है IOC के दिशा निर्देशों के अनुसार अगस्त माह में मनाया जाता है। हर वर्ष के अगस्त माह में ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस में अंतर है। ओलंपिक दिवस अगस्त माह में मनाया जाता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है जब IOC की स्थापना हुआ था 23 जून 1894 में तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है जबकि ओलंपिक दिवस जो है अगस्त मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओलंपिक भावना। ओलंपिक भावना है कि देश के युवाओं में ओलंपिक भावना के विकास को प्रोत्साहन देना इसका काम है और ये इस बात पर ध्यान देता है, देने का इसका मकसद है कि प्रदर्शन और नए रिकॉर्डों के ऊपर बहुत ज़्यादा बल न देकर एमेच्योर स्पोर्ट्स के गुरु सामाजिक शिक्षा सौंदर्य नैतिक और आध्यात्मिक पर ज़्यादा बल देना चाहिए। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि जो प्रदर्शन है और नए रिकॉर्ड है उन सब पर ज़्यादा बल न दिया जाकर एक एमेच्योर स्पोर्ट्स के गुरु और सामाजिक शिक्षा सौंदर्य नैतिक और आध्यात्मिकता पर ज़्यादा बल देना चाहिए, इसके कहने का ये तात्पर्य है, यही ओलंपिक भावना है। तो दोस्तों ये था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, फुल डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में मैंने इसमें बताया है। इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कहीं भी कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उनको भी ये जानकारी उन तक पहुँच सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।